हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्राई कर रही हूँ आइसक्रीम रोल, जिसके लिए मैंने इस तरीके से बर्फ़ को लेके एक बड़े प्लेट में निकाल दिया है और उसे अच्छे तरीके से तोड़ दिया है, क्रश कर दिया है। फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा प्लेट डाल के अभी मैंने फ्रीज़र में डाल दिया है। फिर उसके बाद आइसक्रीम रोल बनाने के लिए मैंने फ्रेश क्रीम, चॉकलेट सिरप और शक्कर डाल के उसे इस तरीके से अच्छी तरीके से मिला दिया है। फिर मैंने फ्रीज़र में से ये आइस डला हुआ प्लेट को बाहर निकाला। अभी इसके नीचे बर्फ के टुकड़े हैं और आइसक्रीम को निकाल के इस तरीके से अच्छी तरीके से क्रश कर दिया और फिर दो बार तीन बार फ्रेश क्रीम जो मैंने अभी मिला के तैयार किया है, चॉकलेट और क्रीम, उसको डाल के इस तरीके से अच्छे से प्लेट में एकदम पूरा प्लेन कर लिया है और फिर उसे फ्रीज़र में डाल दिए हूँ मैं अभी 2 से 2.25 घंटे के लिए। और फिर फ्रेंड्स, मेरा ये आइसक्रीम रोल अभी तैयार है और फिर से उसी तरीके से मैं बर्फ करके और इस तरीके से उसका रोल बना दिया है मैंने और फिर इस तरीके से सर्व करूँगी। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है बिना मशीन के हमारा आइसक्रीम रोल, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया और मुझे भी पसंद आया। तो लाइक एंड सब्सक्राइब।